चलो थोड़ी सी जितनी भी है ये तो दिख जाएगा। तो लेंस फॉर्मूला की डेरिवेशन, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, और फॉर्मूला फॉर लेंस प्लस वी बाय यू, ठीक है। चलिए ये होगी मैग्निफिकेशन, एक बार ही देख लो। हाँ जी, किसी स्टेप में कोई डाउट है? नो डाउट। अब नेक्स्ट है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। थोड़ा सा देख लो होते क्या हैं स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। देखो दूसरे सेक्शन में हो गया हुआ है ना, नाउ दिस इज अ न्यू थिंग फॉर यू। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस क्या होते हैं? दिस इज कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेस। अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ कि होते क्या हैं, कल करेंगे डेरिवेशन। सो दिस इज अ सर्फेस, convex spherical refracting surface is a surface which is convex towards the rarer medium side. Convex spherical refracting surface, it is a surface which is convex towards the rarer medium side. ये convex चीज है ना, ये बाहर bulging outward, ये rarer medium side की तरफ से convex है. This is denser medium. तो ये एक डेंसर मीडियम है, ये मीडियम डेंसर, राइट। एंड वी विल टेक द ऑब्जेक्ट्स टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स फॉर ऑल द केसेस। कंकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑन द अदर हैंड इज कंकेव टुवर्ड्स द रेयरर मीडियम सर। इट इज कंकेव, ये कंकेव होता है ना, towards the rarer medium side. तो इसका refractive index mu one लेंगे, denser का mu two लेंगे, mu one mu two. And objects हम उसका कोई size नहीं दिखाएंगे, point objects लेंगे हम, point objects, point images like that. ठीक है, देख लो उसको। And like, just like the nature of convex lens, the nature of these surfaces is also similar. Convex spherical refracting surface can form both real and virtual images. So, iske four cases hain. And concave spherical refracting surface can only form virtual image. So, iske two cases. Ab aap kahoge two kyun? Aur uske four kyun? Kyunki denser, rarer se denser, denser se rarer. Do possibilities hongi hamare. एक जैसे रियल इमेज हमने ले ली तो रे रेयरर से डेंसर जा रही है कि डेंसर से रेयरर जा रही है, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और ऐसे ही वर्चुअल इमेज के लिए दो केस होंगे, रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर। अब कंकेव में सिर्फ वर्चुअल इमेज बनेगी तो रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर, बट वर्चुअल इमेज टू केसेस आते। पर एनसीईआरटी में सिक्स केसेस नहीं दिए हुए, टोटल थ्री ही दिए हुए हैं, हम वही थ्री करेंगे बस जो एनसीईआरटी में गिवन है, अदरवाइज सिक्स में करवाती हूँ, हम थ्री करेंगे जो एनसीईआरटी में दी हूं। देखो पेपर सेटर के हाथ में एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी से बाहर से पेपर नहीं है, तो जो आर्टिकल्स उसमें दिए हैं हम उसके अकॉर्डिंगली चल सकते हैं। हम तीन ही केसेस करेंगे, राइट। चलिए थोड़ा सा स्टार्ट करा दूं, अभी फाइव मिनट्स पड़े। चलिए कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसका फर्स्ट केस हेडिंग दे दो, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस रियल इमेज के लिए हम ले रहे हैं केस रेयरर टू डेंसर मीडियम। वेरी इंटरेस्टिंग केसेस, रेयरर टू डेंसर मीडियम फर्स्ट केस की हेडिंग दे दीजिए, फॉर रियल इमेज एंड फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, यहां पे ऑब्जेक्ट पड़ी है ओ,
This is incident ray. होता है, होगा हाँ, इधर हम मार्क करेंगे ना, ये आपका सरफेस है तो इधर एक तो नॉर्मल आ जाएगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो पास करेगी नॉर्मल, और दूसरी बस इमेज हमने बस सी लेना, कर्वेचर का सिर्फ सेंटर लेना। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस देखो कोई भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल वाटर में एयर बबल है तो ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी, ठीक है, या फिर एयर में वाटर ड्रॉप है तो वो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी। तो अब हम सिर्फ लेंसेज तक कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, हम रियल थिंग्स इन लाइफ उसको भी, उसके को भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, रियल इमेज है तो कन्वर्जिंग होगा, अगर रियल इमेज बन रही है तो कन्वर्जिंग ही बन रही होगी तो सीधा हम उसको ले लेंगे। एंगल्स का ऑर्डर थोड़ा देखना पड़ेगा, ऑलवेज वी विल टेक द एक्यूट एंगल्स दैट द ऑब्जेक्ट इमेज एटसेट्रा दे आर मेकिंग विद प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट का एंगल हमेशा इंसिडेंट रे का एंगल हम लेंगे अल्फा, ये सिंबल्स देख लो, यही टर्मिनोलॉजी यूज होगी बुक्स में भी। इंसिडेंट रे का एंगल वी विल ऑल्सो टेक टू बी अल्फा विद द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और अगर हम इमेज यहाँ पे बना देंगे फिर नॉर्मल बनाएंगे तो ये इमेज का एंगल बीटा होता है, गामा है, पर ऑर्डर अल्फा बीटा गामा नहीं है, तो इससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि नॉर्मल कहाँ पे आएंगे। तो सी यहाँ पे बनाएंगे और इसको कन्वर्ज यहाँ पे करवा देंगे, थोड़ा सा आइडिया रखना पड़ेगा एंगल्स का हमें। तो ये आपकी इमेज बन रही है, इमेज का एंगल हमेशा हम बीटा लेते हैं विद द प्रिंसिपल एक्सिस, और सी में से नॉर्मल निकाल दो एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज योर नॉर्मल, नॉर्मल का एंगल हमेशा लेंगे गामा। तो दिस वे वी विल बी मार्किंग अल्फा बीटा गामा इन ईच केस, अल्फा बीटा एंड गामा। ये जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस हैं, दे विल फॉर्म द बेस ऑफ, दे विल फॉर्म द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अभी हमने लेंस फॉर्मूला किया, लेंस मेकर्स फॉर्मूला हमने डिराइव करना अल्टीमेटली, तो उसमें ये आर्टिकल हमारे यूज होंगे, ठीक है। अब हम मार्क करेंगे आई और आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ये आई है, पांच एंगल्स मार्क करने हर डायग्राम पे, एक तो अल्फा बीटा गामा, एक आई और एक आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना ये स्मॉल आई है, ये इमेज आई, इमेज ओ ऑब्जेक्ट आई इमेज, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है ये वाली, नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बना दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आज बस मैंने इतना ही करवाना है, आप डायग्राम देखो पहले कैसे बना, मार्क द फाइव एंगल्स फर्स्ट, ठीक है। अब उसके बाद आई और आर को हमने अल्फा बीटा गामा की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आप बता सकते हो कौन सा एक्सटीरियर एंगल है किसका, ये वाला ट्रायंगल देखो, अगर कुछ आइडिया है यहां से, आई एक्सटीरियर ऑपोजिट एंगल है किसका, अल्फा और गामा का। सो एक इक्वेशन हमारी बन गई, आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। ऐसे ही अब आर बताओ क्या है, आई और आर को इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा वी हैव टू एक्सप्रेस, आई को कर दिया, अब आर बताइए, ये ट्रायंगल हो, गामा इज एक्सटीरियर ऑपोजिट एंगल, गामा इज आर प्लस बीटा, सो व्हाट इज आर, गामा माइनस बीटा, तो आपका आर हो गया गामा माइनस बीटा। हाफ इज डन व्हेन यू ड्रॉ द डायग्राम एंड मार्क द एंगल्स लाइक दिस, लेबल द एंगल। अब जब एक डेरिवेशन करेंगे आपको स्टेप्स पता चल जाएंगे, बाकी की दो आपने करनी, तो कल हम एक डेरिवेशन इसकी कंप्लीट करेंगे, दो मैंने आपको होमवर्क दे देंगे। तो बस यहां तक हमने रे ऑप्टिक्स करना है, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट रिलीज। हाँ जी ठीक है, देख लो एक बारी, होने दो जरा 5-10 मिनट की, चलो ठीक है।